What is this? ये फोर इंगेड दिख क्या है? किया है? रेड बीन आइसा। तो रेड बीन आइसा पर इंगेड। नहीं है कि यार रेड बीन आइसा। रुद्दा नहीं ना। बर्फ दी बर्फ है नीरी जो अपने खाते सो ये रेड बीन आइसक्रीम बनाने लगे हैं और ये मशीन से बर्फ को क्रश कर रहे हैं और क्रश करने के बाद ये इन्होंने पूरी बोल को फिल कर लिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बर्फ इन्होंने ली है। तो ये चार इंगट के यानी कि 80 रुपये इंडिया के हुए, 80 रुपये इंडिया के बनते हैं। तो ये इन्होंने क्रीम ऐड की है, ये मीठेपन में है क्रीम, और ये भी इन्होंने एक सॉस ऐड की है, ये भी मीठी मीठी सॉस है। और इसको फिल करने के बाद इन्होंने एक चम्मच राजमा रेड बीन जिसको बोलते हैं, 2 चम्मच और 3 चम्मच और फिर 4 चम्मच रेड बीन के। और इसके बाद जो फलूदा आइसक्रीम में हम वो नूडल्स डालते हैं ना, वो वाले नूडल्स हमारे तो वाइट कलर के होते हैं ना, तो इन्होंने ये कलर किए हैं वो वाले रेड बीन। सो मुझे तो आज पता चला कि राजमा चावल के अलावा ऐसे भी हम राजमा को यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ, बर्फ़ के साथ। राजमा, बर्फ और नूडल्स। नाइस। मीठेपन में गर्मी में मज़ा आ गया जी खा के, बर्फ का गोला राजमा वाला।